नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। आप सभी को बता दें कि आज शनिवार का दिन है दोस्तों। इसका मतलब है कि आज भगवान शनिदेव को पूजा करने का दिन है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शनिदेव महाराज जो हैं इंसान के हर अच्छे बुरे कर्म का फल स्वयं देते हैं, और अगर शनिदेव किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार के परेशानियां दे सकती हैं, पूरे उसके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं, पूरे उसके परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में मित्रों, बहुत से लोग शनिदेव को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी शनिदेव की सड़े साथी लगी हैं, अढ़हैया लगी हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपकी कुंडली में यह समस्या है तो आज छोटा सा सरल आसान तरीके बता रहा हूँ, जिसे करने के बाद शनिदेव के जो भी कुदृष्टि है वो समाप्त हो जाते हैं, आपके ऊपर उसके कृपा आने लगते हैं और आपके घर परिवार धन्य धन से संपन्न हो जाते हैं। जिन्हें सड़े साथी नहीं लगी या अढ़हैया नहीं लगी हैं, वो भी वीडियो को देखें, क्योंकि इस प्रकार के जानकारियां से आप जो भगवान शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं और सौभाग्य पा सकते हैं, धन्य धन्य पा सकते हैं। तो मित्रों, शनिदेव को खुश करने के लिए हर शनिवार को काले तिल के साथ आटा और शक्कर मिलाकर के चींटियों को खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव की पीड़ा शांत होती। भगवान शनिदेव महाराज ऐसा करने से आपको अपार धन देते हैं। कहते हैं शनिवार को काले घोड़े की नाल या नाव के कील अंगूठी बनाकर के मध्यमा उंगली में सूर्यास्त के समय धारण किया जाए तो शनिदेव की कुदृष्टि समाप्त हो जाते हैं, और इस उपाय को करने से भी आपके घर में काफी धन आते हैं। शनिदेव महाराज को काला धन का स्वामी माना जाता है, और इस उपाय को करने से आपको अपार काला धन मिलने लगते हैं। कहा जाता है कि शनिवार के दिन दान जरूर करना चाहिए, और दान कैसे करना चाहिए? दान में आपको काले चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि काले तिल, काला कपड़ा, काला कंबल, लोहे बर्तन या काला उड़द की दाल। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शनि आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, आपके सात पीढ़ियों को धन्य धन से संपन्न बना देते हैं। आने वाले सात पीढ़ियों तक भगवान शनि देखी आपके परिवार के ऊपर कृपा रहती है, और हमेशा आप हमेशा धन्य धन से संपन्न रहेंगे। हो सके तो मित्रों, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, क्योंकि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शनिदेव ने स्वयं शनिवार के दिन को हनुमान जी को समर्पित किए थे। इसलिए दोस्तों, इस दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बढ़ती है, भगवान हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और उन्हें नीले फूल और नीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसे में भगवान आपके ऊपर जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, और इसके बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का एक बार कम से कम एक माला अवश्य जाप करें, या माला से जाप नहीं करना चाहते तो 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे भगवान शनि शांत हो जाते हैं, उनकी कुदृष्टि समाप्त हो जाते हैं, और आपके घर परिवार को धन्य धन से संपन्न बना देते हैं, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। क्योंकि जितने भी ब्लैक तरह के कार्य होते हैं, बाहरी खतरनाक जो कार्य होते हैं, इसके स्वामी शनिदेव हैं, और अगर आपके घर परिवार में शनिदेव की कृपा हो जाए तो आपके साथ पुश्तैनी भी दोस्तों धन्य धन से संपन्न बने रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम।